और देखिए राजेंद्र गुप्ता जी आज लुधियाना में आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और आपको जहाँ पर जो मीडिया है उनसे आप रूबरू हुए हैं, उनसे बातचीत की है। थिएटर सबसे डिफिकल्ट होता है, परफॉर्मेंस देना होता है लाइव, थोड़ा सा गलती हुआ तो हाल में हूँ वहाँ ही हो जाता है। मज़ा भी तभी आता है जो लाइव चलता है, घर में भी जो फैमिली की लड़ाई होती है वो भी लाइव चलती है, हमारी जो ज़िंदगी है वो भी लाइव ही चल रही है। तो यहाँ पर आप जो लाइव दिखा रहे हैं उन लोगों को दिखा रहे हैं जो अभी थोड़ा सा वो कल्चर नहीं है, जहाँ पर जो यूरोप में है या चाइना में है या जहाँ पर 100 साल के लोग होते हैं। मुझे मालूम नहीं है, उसके बारे में सुना ही है, देखा नहीं हमने, तो वो तो अलग होना ही है हर कंट्री का, हर माहौल। आप हमारे को क्या मैसेज दोगे, इतने बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, इस मैसेज जी क्या कहोगे लोगों, क्या मिलेगा सीखने के लिए यहाँ से? मज़ा भी आएगा और मज़े के साथ साथ शायद थोड़ा सा हम सोचने पर मजबूर भी होंगे कि हाँ जिंदगी को इतना हम जो रिजाइन करके बैठे हैं जिंदगी से, उसको शायद वापस जिया जा सकता है और हर मोड़ पे कभी भी जिंदगी दोबारा सीख जा सकता है। अच्छा ऐसे ना, यहाँ जब रिटायर आदमी होता है ना 60 के करीब, तो कहते हैं मेरी जिंदगी गई, हूँ मैं की करना है, हमारे ये उसी उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए, हाँ एनर्जी देने के लिए। हाँ जी। अच्छा आप कोई ऐसे तो 2-4 फिल्मों के नाम भी बता दीजिए जो आपने की हो, या जो वो नहीं बता सकता, मुझे याद ही नहीं होता। अच्छा तो ये आपको याद नहीं है, आप मान के चलिए मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिंदगी में कुछ करने के लिए आता ही नहीं। कीजिए हम आपके साथ। अच्छा तो आप सोचिए, थोड़ा सा और बताइए, आप जहाँ पर आए हैं जी, हमारे लुधियाना वालों को जितने भी लोग हैं उनको क्या मैसेज देकर जाओगे? ये सब बातें जो हम कर रहे हैं सारा मैसेज ही चल रहा है, मैसेज है, सब मैसेज है। जो बातें कर रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी बातें करने में बहुत ही जाने के। लोग कहते हैं अपने बारे में बताइए कि वो किससे पूछा था, उसने कहा कि मेरी जिंदगी, मेरा काम है, मेरा मैसेज है, बाकी कुछ नहीं। जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा मैसेज है। जो मेरा काम जो कर रहा है, जिसने जो देखा है वही मैं, वही उसके अलावा ना हूँ कुछ भी, ना था ना होऊंगा, काम ही मेरा। वाह वाह, राजेंद्र गुप्ता जी ने कितनी अच्छी बातें कर दी 2-4 मिनट में।